Hello and welcome Net Aspirants. I'm CS Leena Maheshwari, welcomes you to our uncle's UGC Net channel. Students, admit cards aa chuke hain kafi sare students ke jinka 9th ko exam hai. 9th ko in case aapka exam nahi hai, 11th ko exam hai, 12th ko exam hai, aap sabhi ke liye video bahut zaruri hai. Is video ko aap end tak dekhiye. Bahut zaruri hai agar aap kal exam dene jane wale hain ya next कुछ दिनों में आपका एग्जाम है. कभी कभी होता है हमारा पढ़ने का मन नहीं करता या किसी ने कह दिया कि आपसे ये चीज नहीं होगी तो हम सोचते हैं शायद मुझसे नहीं होगी, इसीलिए तो कहा है. ठीक है, ऐसा ही होता है. या मेरा मन नहीं कर रहा, कभी कभी मन करता है नेटफ्लिक्स देख लूं, हॉटस्टार देख लूं, देख लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूवीज देख लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक चीज हमें करनी है. सिर्फ ये थॉट ले आना दिमाग में, एक सोच ले आना कि इस वक्त जब मैं नेटफ्लिक्स देख रहा हूं, मैं नेटफ्लिक्स पर चल कर रहा हूं, शायद मेरा कोई कंपटीशन उस वक्त पढ़ रहा होगा. वो इस मोमेंट को लूज कर रहा है, वो इस मोमेंट को छोड़ रहा है, वो इस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर रहा, वो पढ़ रहा है. क्यों? बिकॉज उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है और मैं इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहता हूं. शायद मैंने अपना टारगेट उतना स्ट्रांगली सेट नहीं किया या सपने उतना स्ट्रांगली नहीं देखे. बिलीव इन योरसेल्फ बहुत जरूरी है. बिलीविंग इन योरसेल्फ बहुत ही ज्यादा जरूरी है. कैसे? एक स्टोरी सुनी थी मैंने, आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं. एक बार क्या होता है, देयर वर टू फ्रेंड्स, दो दोस्त होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं. एक 5 साल का 6 साल का बच्चा होता है, 5-6 साल का, एक 10 साल का बच्चा होता है. दोनों फ्रेंड्स खेल रहे होते हैं, आसपास कोई नहीं होता है, खेल रहे होते हैं. खेलते खेलते उनकी नजर एक कुएं पर पड़ती है. जैसे ही वो जाते हैं उसके आसपास, एक छोटे बच्चे, एक बच्चे का जो 10 ईयर्स का था, 10 साल का था, उसका पैर स्लिप हो जाता है, वो गिर जाता है. 10 साल का बच्चा गिर गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई आसपास नहीं. छोटा सा बच्चा 6 साल का सब जगह आसपास देख रहा है, उसे भी समझ नहीं आ रहा क्या करूं. उसको कुछ समझ नहीं आया, वो एकदम से दौड़कर गया, उसको एक बाल्टी दिखी, उसने उस बाल्टी को फेंका नीचे और बोलता है कि इसको पकड़ ले. उस बड़े बच्चे ने उसको पकड़ लिया और उसने कस के उसको पकड़ा हुआ था, और छोटे बच्चे ने पूरी जान लगा के खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, बहुत जान लगा के उसने उस बाल्टी को खींच लिया और वो उस बच्चे को बाहर निकाल रहा है. कैन यू बिलीव दिस? 6 साल का बच्चा, स्टोरी सुना रही हूं वैसे मैं आपको, लेकिन 6 साल के बच्चे ने ऐसा किया. ठीक है, वो घर पहुंचे, गांव पहुंचे, उनको लगा अगर हम सबको बताएंगे तो शायद हमारी डांट पड़ेगी. फिर भी किसी को बताया, लेकिन लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, रिएक्ट नहीं किया. पता क्यों रिएक्ट नहीं किया? क्योंकि लोगों ने बिलीव ही नहीं किया कि 5 साल का बच्चा ऐसा कर सकता है क्या. 5 साल का बच्चा जो खुद एक बाल्टी नहीं उठा सकता, वो क्या उस बाल्टी के साथ उस बड़े, इतने बड़े बच्चे को, 10 साल के बच्चे को खींच सकता है? लोगों को बिलीव ही नहीं था. ठीक है, लेकिन उसने किया. और फिर लेकिन एक पर्सन था गांव में जिसने ये बात मान ली, कैसा हो सकता है. तो बाकी सब उससे पूछने गए कि आपको ऐसा क्यों लगता है, कैसा हो सकता है, ऐसा कोई प्रूफ? तो प्रूफ मैं क्या दूं? उस पर्सन ने बोला मैं प्रूफ क्या दूं, वो बच्चा कह तो रहा है कि उसने ऐसा किया, इसका मतलब वो कर सकता है. तो सब लोग बहुत बहुत आश्चर्य से पूछते हैं, ऐसा आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसने किया हो कैसे, और ऐसा क्यों कर सकता है, कैसे कर सकता है? उस आदमी का मतलब एक आंसर था, क्योंकि उसके आसपास उसको कोई बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता. उसके खुद के दिमाग में भी थॉट नहीं आया था कि तू नहीं कर सकता. बिलीव इन योरसेल्फ. ये जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, हमें इन सबको छोड़ना होगा. एक थॉट दिमाग में, उस बच्चे के दिमाग में उस टाइम यही थॉट था कि मुझे बाल्टी डाल करके इस फ्रेंड को बाहर निकालना है. हमारे दिमाग में आज थॉट है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. सो बिलीव इन योरसेल्फ एंड यू कैन डू दिस. आई एम टेलिंग यू, यू कैन डू दिस. जब हमें लगता है ना चीजें बहुत मुश्किल हो रही है, तो वही मुश्किल हमारे लिए मंजिल है, हम वहां पहुंच चुके हैं. इट इज जस्ट वन स्टेप अहेड, दैट्स इट. सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. अच्छे से रिविजन कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए. एंड और आपको टिप्स चाहिए, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए यूजीसी नेट एग्जाम से, अगर अभी आपका एग्जाम नहीं है,
अगस्त में आपका एग्जाम है, एड अंकल के साथ बने रहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन एग्जाम रिलेटेड मिलते हैं, जो भी नए अपडेट्स आएंगे यूजीसी के हम आपके साथ शेयर करते हैं. सो ऑल द बेस्ट अगेन एंड डू योर बेस्ट एंड अगेन बिलीव इन योरसेल्फ.